अपने हिंदुत्ववाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली बीजेपी अक्सर इस एजेंडे को लेकर विपक्षियों के निशाने पर रहती है। एक तरफ पीएम मोदी जालीदार टोपी पहनने से परहेज करते हैं, तो वहीं इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मुस्लिम विरोधी बयान देकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के एक मंत्री ऐसे भी हैं जो हिंदू होते हुए भी पूजा से पहले कलमा पढ़ना पसंद करते हैं। ये सुनकर आप हैरान जरूर होंगे, लेकिन ये सच है। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीयूष गोयल मंच से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं रोज सुबह पूजा करने से पहले कलमा पढ़ता हूँ। गोयल मंच से कलमा पढ़कर भी सुना रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया में तालीम की ताकत नाम के किसी कार्यक्रम का 56 सेकंड का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि मंच पर कुछ मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं, जिनमें जफर सरेश वाला भी हैं। पीयूष गोयल अपना भाषण दे रहे हैं। अपनी बात रखते हुए पीयूष गोयल ने कहा, मैंने जफर भाई से परमिशन ले रखी है कि मैं शुरुआत कर सकूं उस वाक्य से जो हमने तब सीखा था जब हम छोटे थे। वो मेरे मन में ऐसा बैठ गया है कि रोज सुबह जब मैं पूजा करता हूँ तो मैं उसमें वो वाक्य भी साथ में जोड़ लेता हूँ, ला इलाहे इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। और वास्तव में सभी धर्मों की जो ताकत है वो यही ताकत है कि जब हम सब अमन और शांति से एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं तभी पूरे देश का निर्माण होता है। आपको बता दें, सोशल मीडिया यूजर इस वीडियो पर अलग अलग तरह से रिएक्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोग जहां इसे हमारे देश की संस्कृति बता रहे हैं, तो कोई मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति बता रहा है। बहुत से यूजर्स इस वीडियो पर लिख रहे हैं कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों पर हो रहे हमलों को रुकवा दें तो हम समझ जाएंगे कि इन्हें मुसलमानों से वाकई प्यार है, बाकी इन सब से कोई फायदा नहीं। एक यूजर ने लिखा, विश्वास जीतने में कितनी दयनीय हालत हो गई है बीजेपी वालों की। आपको बता दें कि वायरल होता ये वीडियो असल में 2016 का है, लेकिन कुछ दिनों से तेजी से वायरल किया जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।